In this video, we are going to learn about types of extensions. इससे previous वाली video में हमने what is extension define पढ़ लिया था. आज के video में हम types पढ़ेंगे. So there are in total four types of extensions. First is straight or parallel extension. Straight or parallel extension क्या होता है? पहले हम read करते हैं इसको. The mineral become dark parallel to the cross wire without any further rotation of stage. It is called straight or parallel एक्सटेंशन. मतलब कि जो मिनरल होता है वो डार्क अपीयर करेगा. एक्सटेंशन की प्रॉपर्टी कब वैलिड होती है? जब आपका कोई मिनरल जो है वो लाइट शो ना करे. मतलब मिनरल का कलर जो भी हो लेकिन वो डार्क अपीयर हो हमको. अब इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन के केस में क्या होता है यहाँ पर? सो इस पर्टिकुलर केस में मिनरल डार्क अपीयर होगा व्हेन पैरेलल टू द क्रॉस वायर. क्रॉस वायर आप समझ सकते हो सेंटर टू द पोजीशन या फिर सेंटर से जो लाइन जा रही है उसको हम क्रॉस वायर कह सकते हैं. तो वो मिनरल डार्क अपीयर करेगा ओनली पैरेलल टू द क्रॉस वायर. यहाँ पर कंडीशन लग जाएगी विदाउट एनी फर्दर रोटेशन, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेट या फिर पैरेलल एक्सटेंशन. आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे आता है ओब्लिक और इंक्लाइंड एक्सटेंशन. ये उसका थोड़ा सा ऑपोजिट कह सकते हो आप. इसमें मिनरल अपीयर नहीं करता. पहले हम पढ़ते हैं, व्हेन द मिनरल डज नॉट अपीयर डार्क पैरेलल टू द क्रॉस वायर बट ऑन रोटेशन ऑफ द स्टेज एट अ सर्टेन एंगल, दिस इज नोन एज अ ओब्लिक एक्सटेंशन. मतलब वो रखा हुआ है अक्रॉस द क्रॉस वायर तो वो पैरेलल नहीं दिखेगा, तो वो आपको एक्सटेंशन शो नहीं करेगा. सो इस पर्टिकुलर केस में एक्सटेंशन अक्रॉस द क्रॉस निकोल ना दिख के जब आप उसको थोड़ा सा रोटेट करोगे एट पर्टिकुलर एंगल, 1 डिग्री एंगल पे भी अगर आप उसे रोटेट करते हो तो आपको वो एक्सटेंशन की प्रॉपर्टी शो करेगा. मतलब वो डार्क कलर हो जाएगा. जब भी कोई मिनरल डार्क कलर शो करे समझ जाइएगा कि वो एक्सटेंशन शो कर रहा है. ठीक है, सो इसमें हम ऑब्लिक एक्सटेंशन कहेंगे जब वो एक एंगल बनाते समय एक्सटेंशन शो करे. इफ़ यू टेक द रीडिंग विद अ क्लीवेज पैरेलल टू द क्रॉस निकोल देन रोटेट द टिल द मिनरल ग्रीन बिकम डार्क और एक्सटेंट. हमें तब तक उसे रोटेट करते रहना है जब तक मिनरल कलर डार्क ना हो जाए और वो पॉइंट जहाँ पर वो एक्सटेंट ना हो जाए. सो द डिफरेंस इन द एंगल विल गिव द एक्सटेंशन एंगल. अब जब 0 डिग्री एंगल रखा गया है एंड देन वो एंगल जिस पे वो एक्सटेंशन शो कर रहा है उसका डिफरेंस हमको एक्सटेंशन एंगल शो करेगा. मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, सिमेट्रिक एक्सटेंशन. दिस इज शोन बाय दिस मिनरल विद द स्क्वायर आउटलाइन और रोम्बिक क्रॉस सेक्शन. तो ये कौन से मिनरल शो करते हैं जिनकी स्क्वायर आउटलाइन होती है इवन अक्रॉस ऑल द बाउंड्रीज और फिर रोम्बिक होते हैं क्रॉस सेक्शंस उनके. द मिनरल सेक्शन बिकम एक्सटेंड पैरेलल टू डायगोनल ऑफ रोम्बिक पैटर्न. अब जो मिनरल सेक्शन होता है वो एक्सटेंशन शो करता है अक्रॉस द डायगोनल ऑफ द रोम्बिक पैटर्न. फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊँ तो इधर आपके पास एक स्क्वायर शेप का मिनरल हो गया, सब कुछ यूनिफॉर्म है, साइड सारी सेम है, तो वो अक्रॉस द डायगोनल जब आप उसे रोटेट करोगे तब वो आपका क्या दिखाएगा? एक्सटेंशन की प्रॉपर्टी दिखाएगा. ठीक है, और जब हमने ऊपर देखा सबसे पहले वाले में स्ट्रेट और पैरेलल में तो वो अक्रॉस द क्रॉस निकोल दिखा रहा था एक्सटेंशन. सेकेंड वाले में वो एक एंगल पे रोटेट करने पे दिखा रहा है. थर्ड वाले में अक्रॉस द डायगोनल दिखा रहा है. लेट्स चेक फोर्थ वाले में कैसे होगा. फोर्थ वाले में आता है वेवी और अनड्यूलोज एक्सटेंशन. दिस टाइप ऑफ एक्सटेंशन अपीयर्स एज अ बैंड और द सीरीज ऑफ बैंड्स ऑफ डार्कनेस क्रॉसिंग द सिंगल क्रिस्टल अनटिल यूनिट ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द स्टेज मे बी ड्यू टू स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन. अब इस केस में क्या होगा, जैसे कि हमारी वेव्स बनती हैं, हमारी वेव्स पर्टिकुलरली कैसे फॉर्म होती हैं, एक तरफ क्रेस्ट एक तरफ ट्रॉफ लाइक दिस. ठीक है, पहले क्रेस्ट फिर ट्रॉफ फिर क्रेस्ट फिर ट्रॉफ, इस तरीके से. ऐसे ही हमारा इस वेवी और अनड्यूलोज एक्सटेंशन में होगा कि जो हमारा क्रिस्टल मिनरल होगा जब हम उसको रोटेट करेंगे, व्हेन वी रोटेट क्रिस्टल मिनरल ऑन पर्टिकुलर स्टेज, तो वो कुछ कलर तो है डार्क दिखाए, मतलब इतने पर्टिकुलर डिग्री जो है वो डार्क कलर शो करे, देन उसके बाद लाइट कलर शो करे. ठीक है, फिर दोबारा एक्सटेंशन शो करे, देन दोबारा से आपका लाइट कलर शो हो जाए, दिस इज एक्सटेंशन. ठीक है, तो एक्सटेंशन को मैं फिलअप कर देती हूँ. ये दोनों आपके एक्सटेंशन थे, ये दोनों आपके वो थे, तो वो अल्टरनेट भी हो सकते हैं और सीरीज ऑफ बैंड्स भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं. बस यहाँ पर जो चीज़ समझने वाली है वो क्या है, यहाँ पर आपकी सीरीज़ या फिर बैंड्स ऑफ डार्कनेस बनती है, सिंगल डार्कनेस नहीं बनता कि आपका एक पॉइंट पर एक्सटेंशन बन गया बाकी पर ख़त्म हो गया, फिर आप उसको कितना भी रोटेट कर लो अब नहीं बनेगा. लेकिन इस वाले में बैंड्स या फिर सीरीज़ ऑफ डार्कनेसेस बनते हैं, ये लंबे समय के लिए
डार्कनेस बनते हैं, या फिर पहले पहले डार्क होगा, फिर लाइट होगा, फिर डार्क होगा, फिर लाइट होगा, इस तरीके से। तो ये आपके चार टाइप्स आते हैं एक्सटेंशन के। सो आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हमें पूरी यूनिट कवर कर देंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।